ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो चाहिए थे मुझे। कार्तिक मेरी पसंद अच्छी तरह जानता है। तिल के पापड़ आपने खाए? बहुत टेस्टी है, सो गुड। प्लीज प्लीज हैव इट। सच में बहुत अच्छा, थैंक यू। वो उसके लिए भी और पतंग के लिए भी। पापा होते तो यही वाली उड़ाते। चलो। नहीं ला रही थी पर थानी पर क्यों ले? जानता हूं थोड़ा मुश्किल है पर पापा जल्द आ जाएंगे, तब तक हम उन्हें हंसकर याद कर लेते। मौका अच्छा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कावेरी जी के कमरे में जाने की। चलिए चलिए चलिए, सब लोग अपनी अपनी पतंग लेके आ जाइए, हवा अच्छी चल रही है, शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए सब लोग, जिसको कंधी करनी है, जिसको मांझा बजवाना है, सब आ जाइए। चलिए चलिए शुरू करते हैं, चलो चलो करते हैं। आप और मैं, कंपटीशन हो जाए बड़े भैया। हमारे गांव में होता था, दोस्तों के साथ, मुंह बोले भाइयों के साथ, बहुत मजा आता था। और अब तो और भी मजा आएगा। अब मजा तो वैसे भी उतना ही आएगा शुभ, बेकार में बात बात पे कंपटीशन क्यों करना है? अपनी अपनी पतंग उड़ाते क्यों? पतंग तो अपने अपने उड़ाएंगे पर दर्शन होना चाहिए ना, मजा डबल हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करके देखिए, और अगर मैं हारा तो मुझसे जो चाहे मनवा लेना। अगर हार गए तो माँ को एक मौका दोगे? लेकिन अगर मैं जीता तो जो मैं कहूंगा वो बड़े भैया को मानना पड़ेगा। क्या? कि पापा से दूर रहे? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि शर्त मंजूर है या नहीं। मंजूर है।
तुम पता नहीं किस वजह से कंपटीशन कर रहे हो शुभम, पर मुझे मेरी वजह बहुत अच्छे से पता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे और माँ के रिलेशन को एक और मौका मिलना चाहिए, और मेरे लिए उतनी वजह काफी है। तो चलिए फिर हो जाए मुकाबला, देखते हैं किसे जीत मिलती है और किसके हिस्से में आती है हार। रिश्तों में जीत किसी एक की क्यों ना हो शुभम, तो भी दूसरे की हार नहीं होती। क्या आप भी खेल को खेल ही रहने दीजिए, ज्ञान की कक्षा मत बनाइए। हम ठीक कर रहे हैं ना, पता नहीं करते, लेकिन हमारा कारण बिल्कुल सही है, ये मैं श्योर। लेकिन अगर हम हार गए तो पता नहीं वो क्या मांग लेगा। पर इस डर के साथ जो हम चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। You're right. अपनों के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, शुरू कब करेंगे? हाँ कितना इंतजार करवाओगे बच्चों, चलो। हाँ हाँ अभी शुरू करते हैं। डैडी प्लीज हमारा भी बांध दीजिए ना। हाँ ला दे। बुआ दादी हाँ ये जूस तो आपका रखा है। हाँ तू पी ले छोरा। क्या किया थे लोगों ने, तुम्हारे कपड़े में क्या गिरा दिया? माफ कीजिए बहन जी, बच्चे हैं, क्या किया? जा जा खेलो उधर जाके। ये बात तो ठीक है, अब तुम्हारे को जो कपड़े भी बदलने होंगे ना। आऊं मैं। चलो इनका ध्यान तो गया दूसरी ओर, अब मैं जाती हूँ कावेरी जी के कमरे की और अपना काम करती हूँ। मेरे पास आप सभी के लिए एक न्यूज है, कार्तिक और शुभम गोयनका के बीच एक पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन होने वाला है। लेकिन ऐसे कैसे, मतलब ये क्या बात हुई भाई, कॉम्पिटिशन क्यों? अब कॉम्पिटिशन फ्रेंडली होगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट। शुभम के गांव का एक ट्रेडिशन है ये फ्रेंडली कंपटीशन। बात कुछ जंची नहीं सुनना। शुभम को समझ में आता कि वो कंपटीशन क्यों कर, कार्तिक को मना करना चाहिए था ना। भगवान करे जैसा कार्तिक कह रहा है कंपटीशन फ्रेंडली रहे, भाई कुछ और ना बन जाए। कोई गड़बड़ मत होने देना, हारे चाहे कोई भी पर जीत रिश्तों की ही। कोशिश करो कार्तिक, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। समझ नहीं पा रहा क्या ठीक है क्या गलत, पतंग काट के भाई का दिल दुखाऊं या ना काट के किसी और का। ये रिश्ता क्या कहलाता है।